शैतान जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने तीसरा कोर्स शुरू किया हुआ लाइब्रेरी करिकुलम के मुताबिक, उसका नाम है यूजर सर्विस इन लाइब्रेरीज। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसका उनवान है सर्कुलेशन सर्विसेज। सर्कुलेशन सर्विसेज क्या है? इसको हमने यूजर सर्विसेज पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन जो लोग सर्कुलेशन सर्विसेज के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसके लिए इंतहाई कारामद है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आई होगी पिछली वाली। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जो पहली चीज़ है, जो कि सर्कुलेशन सर्विसेज के बारे में, लाइब्रेरीज में व्हाट आर द सर्कुलेशन सर्विस इन द लाइब्रेरीज? सर्कुलेशन सर्विस आर एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, प्रमोटिंग यूजर एक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन एंड इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। सर्कुलेशन सर्विसेज जो ना इंतहाई कारामद होती है। उसका काम क्या है? एफिशिएंट सर्विसेज किसको देना है? यूजर्स को देना है। किसके बारे में? लाइब्रेरी मटेरियल्स के बारे में, ताकि उसकी एक्सेस को प्रोमोट करे और उसकी जो ना तसलीबाफ़ सर्विसेज का वो अजाला करे, मतलब कोई भी सर्विसेज चाहते हो वो मुतमिन होके जाए। इंश्योरिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी की जो स्मूथ ऑपरेशन होती है, उसमें ये कि सर्कुलेशन आपकी अगर सर्विसेज सर्कुलेट हो रही, मतलब बुक इन बुक आउट आ जाते, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो रही। दीज सर्विसेज आर अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशन। ये सर्विसेज लाइब्रेरी ऑपरेशन में इंतहाई कारामद है। फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल एंड फैसिलिटेटिंग द फॉरवर्डिंग एंड रिटर्न प्रोसेस फॉर यूजर। काम क्या है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का? कि लाइब्रेरी की मटेरियल जितनी भी है, चाहे हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, उसको जो है ना आप बोरो करें और उसको रिटर्न प्रोसेस करें इससे यूजर से। दिस सर्विस प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग एक्सेस टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज। इस सर्विसेज का काम क्या है? कि आप लाइब्रेरी रिसोर्सेज की रसाई दे दें लोगों को, प्रोमोटिंग यूजर सेटिस्फेक्शन, ताकि उसको मतलब तसलीबाफ़ जवाब दे दें, सपोर्टिंग द ऑल मिशन ऑफ द लाइब्रेरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी मिशन के लिए अगर आपके पास सर्कुलेशन सर्विस सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये कि आपकी लाइब्रेरी अच्छी जा रही है। सर्कुलेशन स्टाफ प्ले की रोल इन मैनेजिंग दी सर्विसेज। सर्कुलेशन जो स्टाफ है, इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है इस किस्म की सर्विस में, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू यूजर्स। उसका काम क्या है? यूजर्स को सर्विसेज देना, अफोर्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की जो सर्कुलेशन पॉलिसीज है, उसके मुताबिक यूजर को एंटरटेन करना। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलेशन सर्विस। असल में अगर देखा जाए तो सर्कुलेशन से मुराद इन और आउट का मटेरियल, मतलब कोई चीज लेके जाना, कोई वापस करना, ये है सर्कुलेशन सर्विस। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है कि बोरोइंग एंड रिटर्निंग मटेरियल। सर्कुलेशन रिजर्व सर्विसेज इनेबल यूजर्स टू बोरो मटेरियल सच एज बुक्स, पीरियडिकल्स, ऑडियो विजुअल एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द लाइब्रेरीज कलेक्शन। दिस इंक्लूड्स इशूइंग लाइब्रेरी कार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन नंबर टू यूजर्स। अच्छा, जब भी कोई यूजर आ जाते हैं, बुक्स इशू करते हैं, पीरियडिकल ऑडियो विजुअल या दूसरे रिसोर्स लाइब्रेरी से करना चाहते हैं इशू, तो इसके लिए दो किस्म की चीज़ होती है, या तो लाइब्रेरी कार्ड होती है या उसके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। रिकॉर्डिंग लोन ट्रांजेक्शन एंड एस्टेब्लिशिंग ड्यू डेट्स एंड बोरोइंग पीरियडिक्स। आपने देखा होगा कि अक्सर सर्कुलेशन कार्ड पे बुक कार्ड पड़ा हुआ होता है, उसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होती है या उसको इंडिविजुअली कार्ड दिया जाता है। एडिशनली सर्कुलेशन स्टाफ फोर्सिंग रिटर्न ऑफ बाउंड मटेरियल, इंस्पेक्टिंग आइटम्स फॉर डैमेज एंड इंश्योरिंग दे आर रिटर्न टू दिस प्रॉपर लोकेशन, देयर प्रॉपर लोकेशन। सर्कुलेशन में जो स्टाफ होती है, वो एक तो जब बोरो मटेरियल करते हैं तो उसको सही इंस्पेक्ट, उसका मुआयना भी किया जाता है ताकि कोई डैमेज तो नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ हो तो उसका अदाला करवाया जाता है। रिन्यूअल एंड रिजर्वेशन। सर्कुलेशन डेस फैसिलिटेट द रिन्यूअल ऑफ बोरो मटेरियल। अच्छा, एक बंदा है, कोई किताब ले जाते हैं तो फिर जब वापस ले आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे फिर एक्सटेंड कराया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? रिन्यूअल एंड रिजर्वेशन है। अच्छा, अलाउइंग यूजर टू एक्सटेंड लोन पीरियडिक इफ नीडेड। सम टाइम जो है ना, एक पीरियड्स के लिए जो है ना उसको दोबारा एक्सटेंड कराते हैं। प्रोवाइड दियर रोल, देयर आर नो होल्ड्स आर पेंडिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर पैटर्न। इस सूरत में इसको रिन्यूअल कराया जाता है जब दूसरे किसी पैटर्न ने, यानी कस्टमर ने या लाइब्रेरी यूजर ने इसको रिजर्व ना किया हो। समटाइम तो आजकल सॉफ्टवेयर में चेक लगे हुए होते कि ये बुक बॉरोड कर रहे, दोबारा रिन्यू करे तो ये रिजर्व की।
अगर कंप्यूटराइज हो, अगर मैनुअल हो तो भी चेक किया जाता है कि किसी के नाम पे रिजर्व तो नहीं है। फ्यूचर में आल्सो रिजर्व आइटम दैट आर करंटली चेक्ड आउट, वो भी चेक करते हैं जो आजकल बाहर गई हुई वही मटेरियल, इसके खिलाफ जो भी चीजें मतलब इसके अगेंस्ट या उसके जो ना वो अकाउंट में, विद सर्कुलेशन स्टाफ मैनेजिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस एंड नोटिफाइंग यूजर व्हेन द रिक्वेस्टेड मटेरियल बिकम अवेलेबल। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि एक किताब है किसी को रिजर्व करना है, वो किसी के नाम पे इशू हो गई, तो उसको भी फिर एप्लीकेशन के जरिए या दरख्वास्त के जरिए ईमेल के जरिए से बताते हैं कि मटेरियल अब अवेलेबल कर दे ताकि दूसरा बंदा इसको इशू करे। ओवरड्यू एंड फाइल मैनेजमेंट, सर्कुलेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बाय देयर ड्यू डेट्स एंड मैनेजिंग ओवरड्यू नोटिस एंड फाइल्स फॉर लेट रिटर्न। कुछ लाइब्रेरी में तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जिन्होंने एक पीरियड रखा होता है 14 दिन या महीना, उसके बाद उस पर एक दिन भी ऊपर चली जाती तो उस पर फाइन आ जाता है, लेट रिटर्न पे जो भी चार्जेस है ओवरड्यू नोटिस उसको जारी किए जाते हैं। दिस इन्वॉल्व सेंडिंग रिमाइंडर्स टू यूजर विद ओवर ड्यू टाइम, समटाइम्स को रिमाइंडर भी भेजा जाता है कि आपकी ये मटेरियल बोरो जो आपने की जो ड्यू होगी लिहाजा इसको रिटर्न करें। असेसिंग फाइल्स अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरीज पब्लिश पॉलिसी, एस्टेब्लिश पॉलिसी के तहत जो ना उसको फाइल्स के बारे में भी बताते हैं कि अगर आपने इस इतने दिन लेट की तो इतना फाइन पड़ेगा, अगर इससे ज्यादा दिन ले लिए तो ये ट्रिपल भी हो सकता है। एंड रिजॉल्विंग इश्यू रिलेटेड टू लॉस और डैमेज मटेरियल, ये भी बताया जाता है कि अगर आपने मटेरियल लॉस कर दिया डैमेज कर दिया तो इसकी ट्रिपल प्राइस आपने अदा करनी होती है। तो आखिरी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी में जो सर्कुलेशन सर्विस है वो इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ऑफन कोऑर्डिनेट इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस फैसिलिटेटिंग द बोरोइंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। दिस इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम पार्टनर लाइब्रेरी, ट्रैकिंग लोन ट्रांजेक्शन एंड मैनेजिंग द टाइमली रिटर्न ऑफ बोरो आइटम। सम टाइम आजकल आपको पता है कि इंफॉर्मेशन की एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो, कुछ लाइब्रेरी इंटर लोन लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके तहत सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि कोऑर्डिनेट करें इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस के तहत, वो जो मुतल्लिका लाइब्रेरीज को रिक्वेस्ट करते हैं और यूजर्स के बिहाफ पे वो चीज़ें मंगाते हैं, और उसके पहले एक टाइम पीरियड दिया जाता है किसी के अंदर अंदर आपने इस आइटम्स को जो बॉरो किया है रिटर्न करना है। यूजर रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट, सर्कुलेशन स्टाफ इज रजिस्टर न्यू लाइब्रेरी यूजर, इशू लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एंड मेंटेन यूजर रिकॉर्ड्स इन द लाइब्रेरी सर्कुलेशन सिस्टम। अच्छा, यूजर सर्कुलेशन रजिस्ट्रेशन अकाउंट मैनेजमेंट का काम भी जो है ये किया है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम है, जब नया स्टूडेंट आ जाते हैं इसको एनरोल करा जाता है, एंड मेंटेन यूजर रिकॉर्ड्स इन द लाइब्रेरी सर्कुलेशन, और उसका पूरा पूरे साल का यानी पूरे सेमेस्टर में जो इन्होंने मेंटेन किया और रिकॉर्ड को उसकी भी ये अपने साथ महफूज करते हैं। दे ऑल्सो अपडेट यूजर इंफॉर्मेशन सच एज कॉन्टेक्ट डिटेल एंड बोरिंग प्रिविलेजेस, उनको ये सारी चीज़ें उसके अकाउंट में मुहैया की जाती है कि आपका अकाउंट कोटा कितना है और उसके कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी एंड एड्रेस, एनी अकाउंट रिलेटेड इंक्वायरीज आर इश्यूज फ्रॉम पैटर्निस्ट, को इसीलिए महफूज करते हैं कि अगर इसके पास कोई बोरो मटीरियल है किसी वक्त भी इसको कॉल या ईमेल किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन सर्व्स एज प्राइमरी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर लाइब्रेरी यूजर, ऑफरिंग असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन बोरोइंग पॉलिसी। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट का काम और क्या है, इसका काम है कि लाइब्रेरी यूजर्स की कॉन्टेक्ट पॉलिसी और उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना या बोरिंग पॉलिसी के बारे में बताना, लाइब्रेरी सर्विस के बारे में बताना, लोकेटिंग मटेरियल विद इन द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो लाइब्रेरियन होता है वो बड़ा एक्सपर्ट्स भी होता है, उसे पता है कि फ्लाम मटेरियल कहाँ पे मिलेगी, तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से ही भी सम टाइम ये क्वेश्चन किया जाता है। सर्कुलेशन स्टाफ हेल्प यूजर नेविगेट द लाइब्रेरी कैटलॉग, कैटलॉग के बारे में भी बताते हैं, शेल्फ्स के बारे में भी बताते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में सम टाइम ये इंफॉर्मेशन देती है, एज वेल एज अनसर्च क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंट स्टेटस फाइंड एंड होल्ड। और सम टाइम लाइब्रेरी में जो लोग आ जाते हैं उससे पूछते हैं कि मेरे खिलाफ कितनी मतलब मेरे अगेंस्ट कितनी ऐसी किताबें, कितनी मटेरियल जो मैंने रिटर्न करना है, मेरे मतलब फाइन कितना बना है, मेरे पास कितनी चीजें ऐसी है जो कि मतलब जिसका पीरियड खत्म हो गया हो। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है जो कि सर्कुलेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट मुहैया करती है। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।